सोयाबीन और रिफाइंड सोया तेल वायदा का भाव चढ़ा, धनिया का भाव टूटा। मजबूत हाजिर मांग के कारण व्यापारियों ने ताजा सौदों की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को सोयाबीन की कीमत 69 रुपए की तेजी के साथ 3,907 रुपए प्रति क्विंटल हो गई। एनजीएक्स में सोयाबीन के अक्टूबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 69 रुपए अथवा 1.8% की तेजी के साथ 3,907 रुपए प्रति क्विंटल हो गई, जिसमें 22,735 लॉट के लिए कारोबार हुआ। हाजिर बाजार की कमजोर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में बुधवार को धनिया की कीमत 20 रुपए की गिरावट के साथ 6,684 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। एनजीएक्स में धनिया की अक्टूबर महीने में डिलीवरी वाले अनुबंध की कीमत 20 रुपए अथवा 0.3% की हानि के साथ 684 रुपए प्रति क्विंटल रह गई, जिसमें 2,680 लॉट के लिए कारोबार हुआ। देश के कपड़ा उद्योग को कम लागत का मिलेगा फायदा। भारतीय कपास की चीन में बिक्री में लगभग 20% तक की गिरावट आने के बावजूद देश कम लागत के अपने इस माल और अमेरिका में अपने कपड़ा कारोबारियों की मौजूदगी का लाभ उठा सकता है। इंडिया रेटिंग की एक रिपोर्ट में ये अनुमान लगाया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के सूती धागा कारोबारी चीन के बाजार पर कुछ अधिक ही निर्भर हैं। चीन को सूती धागे का निर्यात जून 2020 में समाप्त हुई 3 महीनों में कमजोर मांग तथा वियतनाम और पाकिस्तान से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण लगभग 20% तक कम हो गया। हालांकि व्यापार युद्ध के विस्तार और श्रम संबंधी मुद्दे पड़ोसी देशों से अतिरिक्त यार्न और कपास की मांग के कारण निर्यात बढ़कर 5 लाख टन और 80 से 1 करोड़ गांठ की हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और ब्राजील जैसे देशों को चीन के बाजार में तरजीह मिलती है, लेकिन भारत कम लागत वाले कच्चा माल की उपलब्धता और अमेरिका में भारतीय कपड़ा व्यापारियों की मौजूदगी को देखते हुए लाभ कमा सकता है। एमएसएमई के कर्ज पर ब्याज सहायता को मार्च 2021 तक बढ़ाया गया। सहकारी बैंकों की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए कर्जे पर 2% की दर से दी जाने वाली ब्याज सहायता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को ये जानकारी दी। इसके अलावा योजना की शर्तों में भी बदलाव किया गया है। सरकार ने एमएसएमई के लिए ब्याज सहायता योजना की घोषणा नवम्बर 2018 में की थी। इसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 2018-2019 और 2019-2020 दो वित्त वर्ष के दौरान एमएसएमई कर्ज पर ब्याज सहायता की घोषणा की गई थी। इस योजना को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। सहकारी बैंकों को भी 3 मार्च 2020 से योजना के तहत कर्ज देने वाले पात्र संस्थानों में शामिल कर दिया गया है। योजना के दायरे को 1 करोड़ रुपए तक के सावधि कर्ज और कार्यशील पूंजी तक सीमित रखा गया है। योजना के तहत पात्र एमएसएमई को उनके कर्ज पर सालाना आधार पर 2% की ब्याज राहत दी जाती है। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा कि योजना के परिचालन संबंधी कुछ दिशा निर्देशों में सरकार ने फिर से सुधार किया है। योजना की वैधता को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।